नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ न्यूज़ चैनल। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़। हलाला के नाम पर पति ने पत्नी का अपने बहनोइयों से जबरन कराया रेप। पति शाहिद ने अपनी पत्नी को तलाक देकर बहनोइयों से हलाला के नाम पर कराता है रेप। निघासन लखीमपुर खीरी जिले में अब भी योगी सरकार भय नहीं है। 3 तलाक के बाद हलाला का मामला सामने आया है, जहां हलाला के नाम पर पति ने अपनी पत्नी को अपने 2 बहनोइयों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर कर दिया। पति शाहिद ने अपने बहनोई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी पत्नी को 2 बार तलाक दे चुका है। अब तीसरी बार तीसरे बहनोई की इच्छा पूरी करने के लिए फिर तीसरी बार तलाक देने पर शाहिद की मां भी हलाला का दबाव बनाने लगी, जिससे तंग आकर पीड़ित महिला ने खीरी एसपी को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका निकाह 12 साल पहले निघासन के रहने वाले मोहम्मद शाहिद अली से हुआ था। शाहिद आए दिन दहेज के नाम पर अपनी पत्नी को मारता पीटता था और उसको तरह तरह की यातनाएं देता था। पति का जब मन भर गया तब शाहिद ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। उसके बाद अपने बहनोई इलियास को बुलाकर हलाला के नाम पर उसका बलात्कार करवाया। हलाला के बाद शाहिद ने दूसरी बार फिर से निकाह कर लिया, फिर पत्नी को मारा पीटा और गलत आरोप लगा तलाक दे दिया। हलाला के दूसरे बहनोइयों को सौंप दिया इस साजिश में उसकी मां भी शामिल है, जो अपने लड़के पर तलाक देने को कहती है। पत्नी अब अपने तीसरे बहनोई की ख्वाहिश पूरी करना चाहता अपने पति से परेशान होकर और उसको बार बार तलाक देकर बहनोइयों से हलाला कराने की संज्ञा मिले, इसलिए खीर बड़ी की मात्रा एसपी को प्रार्थना पत्र दिया है। ये मामला है, ये तो कोतवाली सदर का मामला है और इसमें एक महिला ने आकर प्रार्थना दिया था कि उसके पति और उसके पति के लेडी द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया है। इस संबंध में जो महिला ने प्रार्थना दिया था उस प्रार्थना के आधार पर थाना कोतवाली सदर में सुनने धारण में मुकदमा लिखा गया। ये सही है, साक्ष्य के आधार साक्ष्य जो भी कंपाइल होगा उसके आधार पर।